now i feel this is just theory and uh, we can wind it up faster if we can do it this way only thing one or two things are new other things we have already discussed okay? so this we can write it as properties of conductors pro behavior of conductors in electrostatic field or you can also name it as properties of conductors properties of conductors when placed in external electric field when placed in external

दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कोई भी इलेक्ट्रिक कोई भी एक आप एक कोई भी एक कंडक्टर ले लो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज़ीरो वहाँ पर हम बोलते थे रीज़न बिकॉज चार्जेस इन साइड द कंडक्टर्स आर नॉट देयर दैट्स वाई इट इज़ ज़ीरो फिर नेट चार्ज वॉज ज़ीरो ठीक है सो ना दैट इज सिंस नेट चार्ज वॉज ज़ीरो दैट्स वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो दिस वॉज आवर अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पर थोड़ा और डेप्थ में समझाया जा रहा है कि कैसे हो रहा है वो ठीक है

एक चीज़ आपको जाननी है एक होता है फ्री चार्जेस एक होता है बाउंड चार्जेस फ्री चार्जेस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाउंड चार्जेस आर दोज विच आर इन साइड ऑलरेडी इन सम बॉन्डिंग जैसे कि आपके पास समझो कि अभी फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इफ यू हैव एन ऐटम एन ऐटम कैन हैव डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड इट एंड ईच ऑर्बिट द इनर ऑर्बिट्स विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी बाउंडेड टू द एटम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दो विच आर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट यू हैव द फ्री एलेक्ट्रॉन्स कमिंग अप सो वो इलेक्ट्रॉन्स जरूरतमंद हैं यानी दोज आर द वंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूमेंट और कैन आई से फॉर द फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर करेंट और कंडक्शन ठीक है जो अंदर की चीज़ें हैं जैसे कि न्यूक्लियाई है न्यूक्लियाई में फिर प्रोटॉन है ठीक है और न्यूक्लियाई और शुरू के जो ऑर्बिट्स हैं वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑलरेडी बाउंडेड बिकॉज ऑफ द एटॉमिक फोर्स दैट इज़ वाई वी कैन से देर आर टू थिंग्स हियर वन इज बाउंड चार्जेस वन इज द फ्री चार्जेस अब उसको लेके यहाँ पर आप देखो दी हैज केप्ट अ कंडक्टर इनसाइड अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फील्ड अगर ऐसे जा रही है टुवर्ड्स माय राइट जाहिर सी बात है इट इज स्टार्टिंग एट प्लस एंडिंग एट माइनस दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दिस वे एक्सटर्नल इंटरनली वॉट इज हैपनिंग इन साइड द कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर ऐसा नहीं है कि चार्जेस बिल्कुल नहीं हैं जो भी चार्जस होंगे वो अपने अपने पोजिशंस में होंगे जैसे ही आप उसे एक्सटर्नल uh, फील्ड में रखोगे तब क्या होगा द नेगेटिव चार्जेस विच वर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिल स्टार्ट मूविंग टू वर्ड द लेफ्ट एंड द पॉजिटिव चार्जेस विच वर देअर दे विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस फॉलो द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा क्या पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ जाना शुरू होंगे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ जाना शुरू होंगे तो so, जैसे जैसे ये बिल्ड होगा अब इधर तरफ पॉजिटिव बन जाएगा अंदर और इधर तरफ नेगेटिव बन जाएगा सो सिंस वन साइड पॉजिटिव हैपन्स एंड अनदर साइड नेगेटिव हैपन्स नेगेटिव चार्जेस आर एक्युमुलेटेड पॉजिटिव चार्जेस आर एक्युमुलेटेड सो नाउ देर इज अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर दिस न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ We keeping this conductor inside some external electric field kyunki humne is body ko la kar ke is external field mein rakha usse liye abhi andar ek aur nayi field taiyar ho rahi hai to usse we can call the inner field as induced electric field and induced electric field is in the opposite direction to the external electric field. ठीक है तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो यू हैव अ से यू हैव अ स्टोन ठीक है यू हैव अ स्टोन लाइक दिस डन और एल से दिस इज योर स्टोन ठीक है योर जॉब इज टू पुश दिस स्टोन ठीक है आप आए वन और टू पीपल स्टार्टेड पुशिंग इट डिड नॉट मूव ठीक है थ्री पीपल स्टार्टेड पुशिंग इट डिड नॉट मूव टेन पीपल केम टूगेदर एंड दे स्टार्टेड पुशिंग नाउ वॉट हैपनज वॉट एवर द फोर्स वी आर अप्लाइंग ना ठीक है एज सुन एज वन पर्सन पुश्ड उतने लेवल का फ्रिक्शन इसका रिएक्शन दे रहा था जैसे दस लोग इसको मूव करना शुरू किए दैट मीन्स टेन पीपल का फोर्स जो अप्लाई हुआ उतना ही फ्रिक्शन इसके नीचे क्रिएट हुआ ठीक है शुड आई से इट वॉज अ रिएक्शन फोर्स हेयर सो एज सून एज द फोर्स इज एनफू मूव दिस तब क्या होगा आपने फर्स्ट व्यू में सीखा था स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन तो ये जब स्टार्टिक होगा तो पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा लेकिन जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन के हाथ से हट जाए बात वैन इट स्टार्ट्स मूविंग नाउ इट बिकम्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो उसी तरीके से यहाँ पर जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्प्लाई कर रहे हो उसके वजह से अंदर चार्जेस री डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं चार्जेस री डिस्ट्रीब्यूट होने से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज़ इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दीज टू इंटरनल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मीनिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल और इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड दिस टू हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट बिकॉज ये बनी है इसी की वजह से सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट दैट इज़ हाउ नेट एक्सट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर इज ज़ीरो अब आते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन को यही यहाँ पर समझाया है अ कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई नॉट ई नॉट यानी एक्सटर्नल इच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अपलाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा माइनस ई नॉट लिखा है एफ इज इक्वल टू ई क्यू लिखते थे हम क्यू क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन है क्यू इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई e है तो एफ इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इज बींग एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ दिस फोर्स कॉजेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर टू मूव इन अ डायरेक्शन द फोर्स कॉजेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर टू मूव इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट यानी ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी चार्जेस से वो चार्जर्स अब उल्टा ट्रैवल करेंगे कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डन अकॉर्डिंगली साइड ए ऑफ द कंडक्टर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज यानी इधर वाला इधर का हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा साइड बी ऑफ द कंडक्टर बिकम्स साइड बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इधर वाला पार्ट नेगेटिव बन जाएगा ठीक है दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन दिस री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल क्रिएट इट्स ओन एडिशनल फील्ड कॉल्ड इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर एक नई फील्ड तैयार होगी वो होगी इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी ई पी बोल के लिखा है बाहर के लिए ई e नॉट लिखा है ठीक है थोड़े टेक्स्ट बुक्स में ई पी की जगह ई आई भी लिखा है ई पी किस लिए लिखा है इंड्यूज है और आ, उल्टे तरीके से वहाँ पर जा रही है तो सिंपल ई पी यूज कर सकते हैं या फिर ई आई ना द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन अ डायरेक्शन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बट इज मैगनीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द कंडक्टर हैंस नैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नेट इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो समझ में आ गया आई होप कोई भी कंडक्टर हो अंदर ऑटोमेटिकली पहले से चार्जेस होते हैं लेकिन जब आप उसे एक फील्ड में रख दो तो पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ भागना शुरू होते हैं ठीक है दिस इज लाइक यू हैव अ क्लासरूम फिल्ड विद किड्स ठीक है दैट क्लासरूम सडनली आई लिफ्ट दट क्लास रूम एंड कीप इट इन अ प्लेस वेयर इट इज़ फिल्ड विद से चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल ठीक है देन ऑल अराउंड द क्लासरूम यू हैव चॉकलेट दर सो वट हैपन दोज स्टूडेंट्स हु लाइक इट दे विल स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स इट दो स्टूडेंट हुट चॉकलेट दे रन अवे फ्रॉम इट या सो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया ना ऑटोमेटिक फील्ड में जाते ही ऑटोमेटिक थोड़े बंदे चॉकलेट की तरफ भागने लगे थोड़े बंदे दूर भागने लगे उसी तरीके से यहाँ पर भी चार्जेस दे विल ट्राई टू मूव वन साइड विच अवर देर इज़ अफिनिटी पॉजिटिव चार्जेस विल ट्रा ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड नेगेटिव चार्जेस विल ट्राई टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन तो so, ये कॉन्सेप्ट इंतहाई जरूरी है यही एक्सप्लेनेशन आपको आगे चल के नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑल बेस्ड ऑन दिस दैट इज़ कैपेसिटर हम सीखेंगे सो फर्स्ट प्रॉपर्टी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो डन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर यानी कोई भी कंडक्टर हो कहीं पर भी सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहचानने की कोशिश करें दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हमने पहले से ही लिया था एरिया एलिमेंट के लिए भी लिया था अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा तो अभी भी वही बता रहा है समझो कि ये कंडक्टर है कंडक्टर का कोई भी हिस्सा आप ले लो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली ही बाहर जाएगी एंगल पे नहीं जाएगी अब इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है समझो कि ये कंडक्टर uh, है ठीक है कंडक्टर है अंदर नीचे सब कंडक्टर है ठीक है पूरा पार्ट है तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर आनी है इस पार्ट से ठीक है तो फिर होगा ये इफ इट समझो कि वो परपेंडिकुलरली बाहर नहीं आएगी लेकिन थोड़ा एंगल पे बाहर आएगी समझो कुछ ऐसे बाहर आएगी ठीक है नाउ व्हाट इज हैपनिंग इफ इट इज़ कमिंग एट एन एंगल विद द सरफेस तो फिर इसके कंपोनेंट्स बनेंगे एक एक्स कंपोनेंट बनेगा एक वाई कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट जब बनेगा उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट बना सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट ऑब्वियसली द चार्जेस ऑन द सर्फेस शुड स्टार्ट मूविंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ दे स्टार्ट मूविंग दैट गिव्स राइज टू करेंट ठीक है तो मतलब यह है कि अगर ऐसा होता तो कोई भी हमारे पास कंडक्टर होता तो ऑटोमेटिक अपने आप चार्जेस घूमना शुरू हो जाते विच इज़ नॉट पॉसिबल दैट इज द रीजन वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हैज़ टू बी परपेंडिकुलरली कमिंग आउटसाइड टू द एनी सरफेस तो वही समझाएगा सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लेट ई मेक एन एंगल थीटा विद द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है यहाँ पर लेट इट मेक एन एंगल थीटा ठीक है विद द सर्फेस देन ई कॉस् थीटा इज टेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द फील्ड ई कॉस् थीटा ऐसा चला जाएगा ठीक है दिस टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट विल कॉज फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज सरफेस करेंट वही मैं बता रहा था सरफेस के ऊपर अभी चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप में एक करंट आ जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल बट देर इज़ नो सरफेस करेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिकॉज कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फाइनली हैज़ ओनली स्टैटिक चार्जेस समझो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस करेंट नॉट बी देर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिकॉज कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फाइनली हैज़ ओनली स्टैटिक चार्जेस सारे चार्जेस रेस्ट पर थे अगर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कॉम्पोनेंट में बाहर निकले तो फिर उसका एंगल पर बाहर निकले तो उसका एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उसकी वजह से चार्जेस जो स्टैटिक थे वो मूव होना शुरू होंगे तो उसी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्टैटिक सिचुएशन है जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलरली ही बाहर आना है तस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस कैन ओनली हैव अ नॉर्मल कंपोनेंट एंड नो टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी कॉस कंपोनेंट नहीं हो सकता हमेशा उसे राइट एंगल्स right पे बाहर आना पड़ेगा ठीक है ओके uh, okay, वही फिगर बताया आई होप टू पॉइंट्स आर क्लियर हियर फर्स्ट पॉइंट वॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो वेन इट इज प्लेसड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल फील्ड वैसे भी जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो गया थर्ड पॉइंट नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होता है ये हमने कहा था वो कैसे आ रहा है ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेनेशन हो चुका है उसका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम लिख लिया इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू ठीक है नाउ इन दैट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर पहला पॉइंट यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज़ जीरो सो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इंटीरियर शुड ऑल्सो भी जीरो यानी हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी ज़ीरो तो जाहिर सी बात है चार्ज अंदर नहीं होना है नेक्स्ट चार्ज रिजाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर तो ये इस पॉइंट को कैसे प्रूव किया उसने कंसिडर कंडक्टर सस्पेंडेड विद इंसुलेटिंग थ्रेड लेट दिस कंडक्टर यहाँ पर दिया है इसको मैं जूम इन करूँगा ठीक है आई होप इट इज विजिबल नाउ एक कंडक्टर को इंसुलेटिंग थ्रेड पे बांध दिया ठीक है <coughs> अब इस कंडक्टर को एक्सेस चार्ज दे रहा है चार्जेस सप्लाई कर रहा है इस कंडक्टर को तो क्या होगा <coughs> अब गॉशन सरफेस एक कंसिडर कर लिया जो इनर पार्ट में है ठीक है इनसाइड द सरफेस है नाउ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज़ जीरो सो इट मस्ट ऑल्सो बी जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द गोशियन सर्फेस विच इज ऑल्सो इन साइड द कंडक्टर गोशियन सर्फेस जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट चार्ज इन साइड द गोशन सर्फेस मस्ट बी जीरो ठीक है इफ़ एक्सेस चार्ज क्यू इज़ नॉट इनसाइड द गॉशन सर्फेस देन इट मस्ट लाई ऑन द स सरफेस ऑफ द कंडक्टर बता यही रहा है कि गोशन सरफेस ड्रा करने के बाद भी हमें कोई हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रही है अगर हर पॉइंट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिल रही है इसका मतलब चार्जेस अंदर नहीं है ठीक है जो भी इंसुलेटिंग जो भी कंडक्टर पर हमने चार्ज एक्सेस डाल दिया वो हमेशा सरफेस पर ही आएगा अगर आपको इतना सब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है ये मेरा एक बॉडी है ठीक है वन बॉडी आई हैव आई एम स्पिलिंग चार्जेस ऑन दिस वेन एवर आई स्पिल चार्जेस एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस इट सेल्फ एंड इट विल नॉट गो इन साइड बिकॉज इन साइड जो भी आइटम्स हैं ना वो सारे ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग में हैं एवरीथिंग इज़ फिल्ड एंड दे डू नॉट हैव एनी मोर स्पेस और एनी मोर वेलेंस शेल इफ़ यू रिमेंबर केमिस्ट्री वेलेंस शेल्स नहीं होते कि बाकी बाहर के चार्जेस जाकर वहाँ अक्यूमुलेट करें उसी तमाम के तमाम दे विल बी फिल्ड विद द फ्री इन दो प्लेसेज वेर देट इज़ सरफेस ओनली नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर यह बहुत ईजी है लास्ट टाइम किया था इन जनरल डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर ही इज डूइंग ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स तो उसको लेकर डी वी इज इक्ल टू माइनस ई डी आर अगर ई e जीरो है इंटीरियर कंडक्टर में ई e ज़ीरो होता है तो डी वी इक्वल ज़ीरो हो जाएगा डी वी इक्वल जीरो का मतलब इंटीग्रेट करके समझाया था कि वी कॉन्स्टेंट होता है तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल विल बी द सेम एट द सर्फेस एज वेल एज होल ऑफ़ द इंटीरियर ऑफ़ द कंडक्टर प्लेसड इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई भी कंडक्टर ले लो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा हर हमेशा सर्फेस पर भी वही वैल्यू रहेगी ठीक है एक नया पॉइंट यहाँ पर मिला देर फॉर कंडक्टर प्लेस इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस मतलब क्या है कोई भी एक कंडक्टर ले लो उसको लेकर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में रख दो जो ऐसे जा रही है यहाँ पर समझो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे पास हो रही है इस तरीके से आई प्लेस्ड वन कंडक्टर हियर आई प्लेस्ड वन कंडक्टर जैसे ही मैं वो कंडक्टर उसमें प्लेस करता हूँ इट बिकम्स अक्वी पोटेंशियल सरफेस आई होप इट इज क्लियर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ये बहुत सिंपल है आप जानते हैं एक बार सिखाया था मैंने कि चार्जेस अक्यूमुलेट वेयर द कर्वेचर या कर्वेचर इज वॉट यू कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर करवेचर एंड चार्ज अक्यूमलेसन इसके ऊपर एक रिलेशन दिया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में उसी के ऊपर यह बेस्ट है कि जहाँ पर शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर चार्ज ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है तो जाहिर सी बात है चार्ज का नेचर है कि वो शार्प एडज में कॉर्नर्स में अक्यूमुलेट हो तो जाहिर सी बात है चार्ज डेंसिटी कैनॉट बी द सेम फॉर द होल बॉडी दैट इज इज दैट इज वॉट इज दिस प्रॉपर्टी आई होप इट इज़ क्लियर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या होती है अब ये क्विकली आई जस्ट टेल इट वॉट ही इज़ डूइंग ये एक कंडक्टर है ठीक है एक कंडक्टर पे एक गोशन सरफेस ले लिया है उसने सिलेंडर के तरीके से लिया है उसको आधा सिलेंडर बाहर रखा है आधा सिलेंडर अंदर तो जब ऐसे रखा है उसने जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ज़ीरो तो यहाँ सब ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से पास हो रहे हैं जाहिर सी बात है अंदर ज़ीरो है ये कर्व्ड सरफेस में भी जो कर्व्ड सरफेस होता है उसके बाहर कर्व्ड सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास होगी ठीक है वाई यू हैव ऑलरेडी नोन हमने इन केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर वहाँ पर हमने किया था कर्व्ड सरफेस सिलेंडर पे ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि तीटा नाइन्टी हो जाता है ठीक है <coughs> तो उसी तरीके से अब यहाँ पर तो ये सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस में भी कुछ नहीं है और नीचे सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही है तो जा रही है तो सिर्फ ऊपर के सर्कुलर सरफेस पे तो ई इज़ गोइंग दिस वे डी एस वैक्टर इज ऑल्सो गोइंग दिस वे उसके हिसाब से गॉस लॉ अप्लाई किया इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इज ई डी एस कॉस थीटा थीटा एंगल बिटवीन ई एंड डी एस गोइंग अबाउ ई बी डी ई और डी एस दोनों एक साइड जा रहे हैं तो कॉस जीरो हो जाएगा फिर ई e बाहर आएगा ई इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू ठीक है तो इंटीग्रल डी एस इज डी एस नाउ तो उसको सब्सट्रूट करके ई डी एस इज इक्वल टू क्यू की जगह पर सिग्मा डी एस बाय एप्सलॉन नॉट लिख लिया सो डी एस डी एस कैंसिल होगा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सलॉन नॉट अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सलॉन नॉट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड बिफोर ऑल्सो सेम थिंग ही हैज प्रूव्ड अगेन डायरेक्शन डाल रहा है एन कैप यानी वेक्टर डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में वो चीज़ हो रही है सो दीज वर अफ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच विच यू नीड टू नो यहाँ पर पूरा एक्सप्लनेशन था ये सारा मैं बोर्ड पर करता तो बहुत टाइम लगता है उस लिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही बुक में कर लिया है ऑल यू नीड टू डू इस लर्न ऑल द सिक्स प्रॉपर्टीज़ रिम्बर दम प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव वे इसको समझ के भी आगे बढ़ें जो कॉम्पिटेटिव के नहीं हैं इस क्लास को एक से दो बार देख लें उतना काफ़ी होगा उसके बाद इन पॉइंट्स को सही ढंग से याद कर लें और ये वाला जतवा पॉइंट था यानी डेरावेशन था इक्वल सिग्मा बाइबस्टा नॉट वो ज़रूरी नहीं है अलग से पढ़ना बिकॉज वी एव ऑलडी कवर्ड सच अरावेशन बिफोर एक और छोटा टॉपिक यहाँ पर कवर कर देता हूँ इसके बाद नेक्स्ट टाइम वी विल बी समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट दिस थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग दिस इज़ वेरी सिंपल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर मुझे एक रीजन चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो ठीक है अब हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है तो दैट्स वाई ही इज़ कंसिडरिंग अ हॉलो कंडक्टर हॉलो कंडक्टर ले लेगा तो फिर अंदर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी चार्ज जीरो होगा तो व्हाट इज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शील्डिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को अंदर जाने ना देना ठीक है तो शील्डिंग में ये हो रहा है कि एक हॉलो कंडक्टर को ला रख दिया गया है उसमें क्या होगा चाहे जो भी हो जाए बाहर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी इसका फ़ायदा ये है कि जो भी अंदर इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स वगैरह होंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बने हैं अंदर अंदर बहुत सेंसेटिव मटीरियल होते हैं सेंसेटिव डिवाइस विल भी देर सेंसेटिव कनेक्शंस विल भी देर माइट बी पॉसिबल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिस थ्रू दम दे नॉट बिहेव द वे दे हैव टू बिहेव दैट इज़ द रीजन वाई एलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं कि वी विल कवर दैट प्लेस विद अलो इलेक्ट्रिक हॉलो कंडक्टर वंस यू कीप इट इनसाइड द हॉलो कंडक्टर वॉट विल हैपन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉल ऑफ कंडक्टर इज जीरो वो कैसे वो आपने प्रीवियस पॉइंट में सीख लिया है फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ठीक है सेम थिंग ही इज टेलिंग हीयर सो द मैथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आई रिपीट द मैथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आई होप दिस इज क्लियर इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल uh, भी दिया है उसने इट इज़ सेफर टू सिट इन अ कार और अ बस ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर रादर दैन टू स्टैंड अंडर अ ट्री और एन ओपन ग्राउंड यानि खाली मैदान में या पेड़ के नीचे खड़ने से बेहतर है कि आप किसी कार या बस के अंदर हों जब बिजली हो रही हो सो वेन दर इज़ थंडंडर एंड लाइटनिंगनिंग वॉट इजन दे के वॉट इज हैपनिंग दैट दे केन ट्रैवल एनी वेयर एंड एवरीवेयर बट इफ यू आर सिटिंग इनसाइड अ कार कार इज बेसिकली कोटेड मेड ऑफ मेटल ऑफ बेसिकली कंडक्टर तो कंडक्टर और अंदर हॉलो स्पेस है फ्री स्पेस है आपको बैठने के लिए तो होगा क्या कंडक्टर है बाहर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यानी करेंट्स भी आएंगे उसको वो अंदर को डायरेक्ट पास होने नहीं देगा ठीक है वो कैसे वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं या सो दिस प्लेज अ मेजर रोल यस सो आई होप हु डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट दे विल बी टेलिंग इफ एट ऑल द सिचुएशन कम्स कम्ज दाई सिट इन साइड अ कार कार इज मेड ऑफ मेटल रेलवे करेंट फ्लो ऑनर्स बट इफ़ यू सी हियर क्लियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगी यानी कार के अंदर बैठे हुए बंदों को क्योंकि वो एक कुशन पे बैठे होंगे एक तो इंसिलेटर्स के ऊपर बैठे होंगे और वो शील्ड को टच नहीं कर रहे होंगे ठीक है तो होगा क्या जो भी करंट्स पड़ेंगे कार के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कवरिंग के ऊपर यानी कार के बॉडी के ऊपर से चले जाएंगे बॉडी के अंदर घुस कर दे नॉट टच द पर्सन इन साइड सो दैट इज़ द थिंग बट अगर इलेक्ट्रिक करंट करेंट या थंडर बहुत हाई इंटेंसिटी का पड़ गया तब हम कुछ नहीं कर सकते द कंडक्टर विल ब्रेक आन साइड के बॉन्डिंग्स जो हैं यहाँ के ये भी ब्रेक हो जाएंगे सो दैट इज़ वॉट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्लास आई नो इट्स अ लिटिल बिट वॉट यू कॉल ऑफ टॉपिक बिकॉज मैंने बोर्ड पर नहीं किया इसको आई होप यू आव अंडरस्टूड वाई आई हैव डन दैट ये बहुत ही ड्राई कॉन्सेप्ट था और ऑलरेडी इसमें कई सारे पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन थे दट इज़ बाई है अप्रॉम द बुक इट सेल्फ इन शाम नेक्स्ट क्लास विल भी लर्निंग वॉट यू कॉल डाई एलेक्ट्रिक्स ठीक है एंड वॉट यू कॉल बाई पोलार एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स ठीक है उसको सीख लेंगे तो उसके बाद वापस विल गेट बैक टू अच्छा ये जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ नॉट आस्ट क्वेश्चन हियर ठीक है जस्ट प्रॉपर्टीज यूनिट टू लर्न एंड कीप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक डाईलैक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ये दोनों टॉपिक्स को समझोगे कैपेसिटेंस कैपेसिटर इजी होगा कैपेसिटर पे आपका Next 50% of the chapter is on capacitor. So, I hope you have understood this class. We will continue in the next one. Thank you.